मुंबई में कि समुद्र का पानी मीठा हो गया है, हजारों लोग वहाँ पर जुटते हैं पानी को पीना चाहते हैं, पी रहे हैं पानी लगातार, लोग वहाँ पर जुट रहे हैं पानी के। अगर आप तस्वीरें देखिए बहुत ही गंदा पानी है, क्या कहना है आपका? ये भी बताया जाता है कि माहिम के आसपास ये मुंबई का गंदा पानी वो उसमें समुंदर में छोड़ा जाता है, तो वाटर तो कंटेमिनेटेड है। और जिन लोगों ने अपने कंटेनर में इस वाटर को स्टोर किया है तो देखने में जो फिजिकल अपीयरेंस है उसी में वो गंदा पानी नज़र आ रहा है। अब ये श्रद्धा और आस्था की बात है कि लोग इस पानी को ले जा रहे हैं और तमाम लोग पी भी रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं जनता से अपील करता हूँ कि कृपया जब तक ये तय ना हो जाए कि इस पानी में कंटेमिनेशन है कि नहीं, ये पानी पीने लायक है कि नहीं, तब तक कम से कम इस पानी को कतई ना पिए। डॉक्टर तिवारी आपको जानना चाहेंगे, आपने बताया कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है इस पानी को पीना, अपील भी की आपने लोगों से कि ना पिया जाए, जागरूक करने के लिए लोगों को बताइए किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं इस पानी को पीने से। देखिए पानी कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू जो तमाम सारी बीमारियाँ फैलती हैं उसमें हेपेटाइटिस सी, पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, तमाम तरह की डिसेंट्री और इसके अलावा अमीबियसिस और जियारीसिस, ये तमाम सारी बीमारियाँ इस पानी के थ्रू हो सकती हैं। तो ये बीमारियाँ अपने आप में खतरनाक हैं, कॉलरा भी जिसमें है। तो बम्बई में अभी पिछले एक साल में देखा गया कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ बार बार आई और गई। तो मुंबई की जनता कम से कम कंटेमिनेटेड वाटर के लिए बड़ी प्रोन है, तो ऐसा ना हो कि ये कंटेमिनेटेड वाटर अगर कंज्यूम किया गया तो इसका भी कुछ प्रभाव जनता के ऊपर पड़े, हो सकता बहुत सारे लोग बीमार हो जाए। तो इसलिए सावधानी इसी में है कि जब तक इस पानी के बारे में रिपोर्ट ना आ जाए कि पानी पीने लायक है कि नहीं, इसको कतई मत पिए। जी बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, आपको जानना चाहेंगे, आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, विश्वास, इसीलिए लोग अपने छोटे बच्चों को भी ये पानी पिला रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है बहुत कमजोर होती है, उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है इस खतरनाक गंदे पानी को पीछे? देखिए जहाँ तक बच्चों और बड़ों की तुलना करी जाए तो बच्चों में इम्यूनिटी का लेवल बड़ों की अपेक्षा बहुत कम होता है और बच्चे किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो अगर बच्चों को ये कंटेमिनेटेड वाटर दिया जाए तो बड़ों की तुलना में उनमें ये वाटर बॉर्न डिजीज फैलने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम बच्चों को इस कंटेमिनेटेड वाटर से दूर रखें, बच्चों को कतई मत पिलाएं। और अपील तो ये कि कोई भी बच्चा हो या बड़ा है, इस पानी को आप कतई मत पिए जब तक ये तय ना हो जाए ये पानी पीने लायक है कि नहीं। जी शुक्रिया डॉक्टर आशीष तिवारी।